हेलो फ्रेंड्स, इक्विटी टू कॉमोडिटी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे व्हाई द रिच गेट रिचर और पुअर गेट पुअर, यानी अमीर लोग और अमीर क्यों होते जा रहे हैं और गरीब लोग और गरीब क्यों होते जा रहे हैं। वहीं अगर मिडिल क्लास की बात करें तो मिडिल क्लास डेप्थ यानी कर्ज में क्यों डूबते जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा। अगर आप वर्ल्ड के टॉप 50 रिचेस्ट पीपल का वेल्थ इंक्लूड कर लें तो उनका वेल्थ वर्ल्ड के हाफ पॉपुलेशन के वेल्थ के बराबर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर ग्लोबली कितना वाइडन है। गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर ना सिर्फ इंडिया में है बल्कि ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा है। तो ये डाटा शो कर देता है जो वर्ल्ड का टॉप 50 पीपल का वेल्थ वर्ल्ड के हाफ पॉपुलेशन के वेल्थ के बराबर है। टॉपिक पे आने से पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो हमारे साथ जीरोधा या फिर अपस्टॉक में डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आप हमारे साथ डीमैट अकाउंट ओपन करवाएंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे आपको फ्री एडवाइजरी और टेक्निकल टिप्स मिलेगा, आपको पोर्टफोलियो मैनेज करने में भी हेल्प करेंगे, आप स्टॉक या फिर जीरोधा के द्वारा जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा उसके बारे में फ्री ट्यूटोरियल देंगे, टेक्निकल और फंडामेंटल रिपोर्ट्स ऑफ डिफरेंट कंपनी जो कि वीकली और मंथली बेसिस पे आता है वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, हम आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताएंगे जिसको आप यूज करें कैसे एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर के रूप में काम कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे साथ डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप वहाँ पर क्लिक करके अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, यानी तो आप हमें व्हाट्सअप या फिर ईमेल आईडी पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए हम टॉपिक पे वापस आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है, और इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स में जो भारत का रैंक है वो 62 रैंक है। और ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स ये शो करता है इसमें जो कंट्री जितना ऊपर रहता है उस कंट्री में गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर उतना कम रहता है। तो नॉर्वे, लुक्जमबर्ग, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, इन सब कंट्री में गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर काफ़ी कम है। वहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया इसमें 62 पोजीशन पे है। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया में गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर बात करें तो इंडिया में गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर बांग्लादेश, श्रीलंका और इवन पाकिस्तान से भी ज़्यादा है। तो इंडिया में जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता जा रहा है वैसे वैसे गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर काफ़ी ज़्यादा वाइडन होता जा रहा। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये वाइडन क्यों होता जा रहा, अमीर लोग ऐसा क्या करते हैं कि उनका वेल्थ से और वेल्थ इंक्रीज होता जा रहा और वो पैसे से पैसे बना रहे हैं, वहीं गरीब लोग और मिडिल क्लास लोग ऐसा क्या करते हैं जिनका उनका वेल्थ कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जाता है यानी तो उस रेट से नहीं बढ़ पाता। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। तो इसमें दो टर्म यूज हुआ है, एसेट्स और लाइबिलिटीज। तो सबसे पहले इनके बारे में एक छोटा सा बता देता हूँ, एसेट्स और लाइबिलिटीज क्या होते हैं और दोनों में डिफरेंस क्या है। एसेट्स वो हो गए जिसको आपने ओन कर लिया, यानी जहाँ से आपको कुछ रेगुलर इनकम आ रहा है यानी तो आप उसके मालिक हो, वो आपके लिए एक एसेट्स की तरह हो गया। और लाइबिलिटीज ये हो गया जहाँ पे आप रेगुलर एक्सपेंस कर रहे हैं, जैसे आपका डेली एक्सपेंस हो गया, हाउस पे एक्सपेंस हो गया, मोबाइल पे एक्सपेंस हो गया, क्रेडिट कार्ड पे एक्सपेंस हो गया, EMI अगर पे कर रहे हैं तो वो EMI पे एक्सपेंस हो गया। तो जो आप एक्सपेंसेस करते हैं वो सारे लाइबिलिटीज में आ गए, और जो आप कोई प्रॉपर्टी बाई करते हैं जैसे लैंड बाई किए आपने, हाउस बाई किए, तो वो सारे आपके एसेट्स में इंक्लूड हो जाएंगे। तो अगर हम पुअर मैन की बात करें तो पुअर मैन जो भी अर्न करते हैं अपने सारे मनी किस में खर्च कर देते हैं, लाइबिलिटीज में खर्च कर देते हैं, वो एसेट्स और सेविंग वो नहीं कर पाते, यानी अपने के सारे मनी वो लाइबिलिटीज में खर्च कर देते हैं। अगर हम मिडिल क्लास की बात करें तो मिडिल क्लास जो भी अर्न करते हैं उसका 70-80% वो लाइबिलिटीज में खर्च कर देते हैं, यानी वो अपने एक्सपेंसेस पे खर्च कर देते हैं, और सिर्फ 20-30% ही सेविंग कर पाते हैं, यानी वो एसेट्स के रूप में डाल पाते हैं, आइदर वो FD करे या फिर प्रॉपर्टी परचेज करे या कुछ भी परचेज करे, तो सिर्फ 20-30% ही कर पाते हैं, बाकी सारे लाइबिलिटीज में एक्सपेंस हो जाते हैं। वहीं अगर हम रिच मैन की बात करें तो रिच मैन जो भी अर्न करते हैं या जो भी उनका इनकम रहता है उनका वो मोस्ट ऑफ द इनकम एसेट्स में डालते हैं, यानी उससे वो सबसे पहले प्रॉपर्टी बाई करते हैं या फिर लैंड बाई करते हैं, यानी तो कहीं ऐसे जगह इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से उनको अच्छा खासा रिटर्न मिल सके, और बाकी जो बच जाता है उसको अपने लाइबिलिटीज़ के ऊपर खर्च करते हैं। तो बेसिक डिफरेंस ये हो जाता है। अगर हम पुअर मैन की बात करें तो पुअर मैन का सारा लाइबिलिटीज में चला जाता है, उनका एसेट्स कुछ नहीं रहता है। और अगर हम मिडिल क्लास की बात करें तो मिडिल क्लास का एसेट्स से काफ़ी ज़्यादा लाइबिलिटीज हो जाता है, और अगर हम रिच मैन की बात करें तो रिच मैन का एसेट्स काफ़ी ज़्यादा होता है और लाइबिलिटीज काफ़ी कम होता है। तो अगर आपको वेल्थ से वेल्थ क्रिएट करना है यानी पैसे से पैसे बनाना है, आपको एसेट्स के ऊपर ज़्यादा खर्च करना होगा और लाइबिलिटीज़ के ऊपर कम खर्च करना होगा, तभी आप पैसे से पैसे बना पाएंगे, यानी आप वेल्थ को और मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज कर पाएंगे। यहाँ पे मैं एक और लाइव एग्जांपल यानी डाटा के थ्रू बताते हैं जो रिच मैन का मनी मैनेजमेंट और मिडिल क्लास और पुअर मैन का मनी मैनेजमेंट किस तरह का रहता है, मिडिल क्लास और पुअर मैन किस तरह से सोचते हैं और उसी चीज़ को रिच मैन किस तरह से सोचते हैं ताकि वो और वेल्थ बनाते जाते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे आ गया और यहाँ पे मैंने दो चीज़ ओपन करके रखा है पहले से।
एक तो मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग मैंने कैलकुलेटर ऑन कर रखा और दूसरा कैलकुलेटर मैंने यहाँ पे ऑन कर रखा ईएमआई कैलकुलेटर। तो ये दो कैलकुलेटर के बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा जो क्या डिफरेंसेस होते हैं रिच क्लास और पुअर क्लास के थिंकिंग में या फिर उनके मनी मैनेजमेंट में। तो सबसे पहले अगर आपको 10 लाख की किसी चीज़ को खरीदना है तो आपको सबसे पहले आपका क्या ऑप्शन रहता है, आपके पास लोन का ऑप्शन रहता है। सपोज दैट आपने 10 लाख का लोन ले लिया, आपने 10 लाख का लोन ले लिया और उसका 10 ईयर में एवरेज 10 ईयर मान के चल रहा हूँ 10 ईयर्स, ये ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है वो उतना मैटर नहीं करेगा, और इंटरेस्ट रेट मैंने ले लिया 12%। तो आपका जो भी मिनिमम इंटरेस्ट रेट रहता है वो 15 से अबव रहता है, 15 के अप्रॉक्स रहता है। तो यहाँ पे मैं उससे भी कम मिनिमम 12% के इंटरेस्ट रेट से ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको मंथली ईएमआई पे करना पड़ रहा 14,347, यानी अप्रॉक्स 14,000 करिए आपको मंथली ईएमआई पे करना पड़ रहा। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए, यानी 10 ईयर्स के लिए, तब जाके आपका 10 लाख का चीज़ आपका एसेट्स के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। यानी आपको अगर 10 लाख की चीज़ को एसेट्स के रूप में कन्वर्ट करना है तो आप उसके लिए लोन लेंगे और लोन के लिए आपको 14,000 का ईएमआई पे करना होगा 10 साल के लिए, तब जाके आपका 10 लाख का चीज़ आपके एसेट्स के रूप में कन्वर्ट होगा। और सेम अमाउंट इन्वेस्ट करके अमीर लोग 10 साल बाद कितना एसेट्स क्रिएट करते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे अमाउंट यू इन्वेस्टेड टूडे, यहाँ पे मैं 0 डाल देता हूँ। रेगुलर इन्वेस्टमेंट, मेरा मंथली इन्वेस्टमेंट मैं 14,000 कर रहा हूँ जितना आप वहाँ पे ईएमआई पे कर रहे हैं, और यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट पीरियड मैं 10 ईयर्स डाल रहा हूँ, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे मैं 12% डाल रहा हूँ। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको 15-20% का रिटर्न मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मैं 12% कंसिडर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो आपने 14,000 का ईएमआई पे करके 10 ईयर्स तक आपने 10 लाख के चीज़ को अपने एसेट्स के रूप में कन्वर्ट किया, लेकिन वही चीज़ अमीर लोग 14,000 रेगुलर इन्वेस्टमेंट करके आफ्टर 10 ईयर्स 33 लाख के एसेट्स बना लिए। यानी आप जितना एसेट्स बनाए हैं उससे ये मोर देन 3 टाइम्स एसेट्स क्रिएट कर लिए। तो इसी चीज़ को अगर आप लॉन्गर टर्म में देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस क्रिएट कर देता है। तो इसी तरह के मनी मैनेजमेंट रिच लोग करते हैं, और आप जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उतना ही इन्वेस्ट करके वो 33 लाख का एसेट्स क्रिएट कर लिया 10 ईयर्स में, आप उतना ही मनी पे करके 10 ईयर्स में 10 लाख का एसेट्स ही क्रिएट कर पाए। अगर इन्हीं को 10 लाख का एसेट्स क्रिएट करना हो तो ये कितने टाइम में क्रिएट कर लेंगे? आप ही के जितना मनी पे करके, इसमें मैं 5 ईयर्स इंक्लूड करता हूँ, तो 5 ईयर्स में उनके पास जो कि रिटर्न आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली 12 लाख के करीब रिटर्न आएगा। अगर हम इसको 4 ईयर्स करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कितना आ रहा, 4 ईयर्स में 9 लाख के करीब आ रहा। तो आपको लेस देन 5 ईयर्स में आप 10 लाख का एसेट्स क्रिएट कर लेंगे। और वही चीज़ अगर आप लोन के बेसिस पे लेते हैं तो ईएमआई पे करके वही चीज़ को आप एसेट्स के रूप में आफ्टर 10 ईयर्स कन्वर्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो रिच मैन आपसे आधे टाइम में वो एसेट्स क्रिएट कर लिए, और अगर आपके जितना टाइम वो इन्वेस्ट करेंगे 14,000, तो वो आपसे 3 गुना एसेट्स क्रिएट कर लेंगे। तो ये एक बेसिक डिफरेंसेस हो जाते हैं थिंकिंग ऑफ द रिच मैन एंड द मिडिल क्लास और द पुअर मैन। तो यहाँ से आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, आपको ये वीडियो देखने के बाद आपका जो थिंकिंग है वो वहाँ से पूरा चेंज हो गया होगा, आपको किस तरह से इन्वेस्ट करना है ताकि आप अच्छे से रिटर्न पा सकें। आप उतने ही मनी इन्वेस्ट करके 3 टाइम्स से ज़्यादा आप रिटर्न पा सकते हैं। अगर वही चीज़ ईएमआई अगर लोन पे लेते हैं तो आपको वहाँ से 3 टाइम्स का कम रिटर्न मिलता है। तो यहाँ से ये सारी चीज़ आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे मैं एक वॉरेन बफेट के द्वारा फेमस कोट बताना चाहूँगा, इफ़ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। अगर आप जब सो रहे हो उस टाइम भी आप अगर आपका पैसा नहीं बन रहा तो आपको अपने मरते दम तक काम करना हो, ऐसा वॉरेन बफेट का कहना है। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।